कानपुर में तीन पत्रकारों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के विरोध में सोमवार के रोज संयुक्त मीडिया क्लब ने हाथों में काली पट्टी बांधकर सड़क में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज झूठे मुकदमे वापस कराने हेतु मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी सदर को तहसील में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि विगत दिनों कानपुर के तीन पत्रकारों मोहित कश्यप, अमित सिंह व यासीन अली के विरुद्ध कानपुर प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके विरोध में जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार हरिकृष्ण पोखर की गरिमामयी उपस्थिति में संयुक्त मीडिया क्लब के जिला अध्यक्ष भगवान दीन यादव के नेतृत्व में व संयुक्त मीडिया क्लब के बुंदेलखंड प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार इरफान पठान की उपस्थिति में शहर के अम्बेडकर पार्क से विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला गया, जो आला चौक, उदल चौक, मेन मार्केट होते हुए तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सदर राजेश कुमार यादव को सौंपा। वहीं एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में संयुक्त मीडिया क्लब ने उल्लेख किया कि कानपुर के पत्रकार मोहित कश्यप, अमित सिंह व यासीन अली ने प्राथमिक विद्यालय के मासूम बच्चों को बिना स्वेटर पहने व हाफ शर्ट के खुले आसमान के नीचे बैठे बच्चों को अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जा रहा था, जिसकी खबर प्रकाशित की थी, जिससे नाराज होकर वहां के विद्यालय स्टाफ द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कानपुर के पत्रकारों पर दर्ज झूठे मुकदमे जल्द वापस किए जाएं। इस मौके पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस खान, जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हरिकृष्ण पोखर, बुंदेलखंड प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार इरफान पठान, चित्रकूट झांसी मंडल के महासचिव मनोज ओझा, विष्णु गुप्ता, शांतनु सोनी, विजय प्रताप सिंह, अनिल कुमार सेन, इमामी खान, उप्रकांत द्विवेदी, शहनवाज हुसैन, धर्मेंद्र कुमार, धर्मवीर सेन, मनीष चौरसिया, इफ्तार अली, मकबूल खान, इमरान अली, डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, शरद अग्रवाल, बिहारी लाल आदि आधा सैकड़ों से अधिक शहरी व ग्रामीण पत्रकार मौजूद रहे, जिन्होंने जो है सत्य को उजागर करने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध मुकदमा लिखे गए। आप किसी भी जिले में देख लो, पत्रकार ने अगर अपना सत्य को उजागर करने की कोशिश की तो प्रशासन अपनी दमनात्मक कार्रवाई को करने से नहीं चूकता, और यहाँ तक कि योगी सरकार कहते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी बिना जांच, उच्च स्तरीय जाँच के बिना कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जिले के मुखिया इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। किसी ने भी झूठी शिकायत पत्रकार की है तो उसने तुरंत ही उनके खिलाफ विरोध मुकदमा कर देते हैं। हम सब पत्रकार आहत हैं सरकार की कार्रवाई से, और अगर यही बात बनी रही सरकार की जो कथनी और करनी में अंतर रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पत्रकार अपने हक के लिए, हुकूक के लिए मर मिट सकता है, लेकिन अपनी सत्य बातों को उजागर करने में नहीं चूकता। पत्रकारों पर कानपुर प्रदेश के ही जनपद कानपुर में तीन पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दायर कर लिया गया, जबकि वो अपने जनहित के कार्यों में लगे हुए थे, अपने समाचारों का संकलन कर रहे थे, और जब उन्होंने वहाँ संबंधित अधिकारी से बयान लेने की बात कही, अपना वो देने की बात कही, तो वो उन पर जो है वो उनके लोग आक्रांता हो लिए और फर्जी मुकदमा दायर करवा दिया। आज की स्थिति प्रदेश में यह है कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, ये तो अत्यंत विचारणीय प्रश्न है। पत्रकार साथियों के साथ ऐसा ना हो, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज जो है धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि हमारे पत्रकार साथियों के विरुद्ध जो अर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाए। महोबा से राजेंद्र पांडे की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।